नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। झारखंड पीजीटी हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज चल रही है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 11 है। मित्रों, अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, 11 टेस्ट सीरीज संख्या 11 है, अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाइएगा। झारखंड पीजीटी हिस्ट्री टेस्ट सीरीज के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है, प्ले लिस्ट में जाइएगा, सभी वीडियो को देखिएगा। देखिए मित्रों, यह जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ में आपके कुल 5500 क्वेश्चन है, 5500 क्वेश्चन है और साथ ही साथ 1375 एमसीक्यू है। इस पीडीएफ में 817 पेज का पीडीएफ है। यह पीडीएफ आप लोग ले सकते हैं, हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर मैसेज कर लीजिएगा। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर ऊपर शो हो रहा है, देख लीजिए, ऊपर शो हो रहा है हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर, आप मैसेज कर लीजिएगा। इसकी जो प्राइस है 300 रुपया है, 300 रुपये में आपको यह मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में भी यह नंबर है और ऊपर भी शो हो रहा है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है और ऊपर भी शो हो रहा है, 8318397276 करके है, मैसेज कर लीजिएगा। 300 रुपये में आपको यह पीडीएफ मिल जाएगा। 817 पेज का पूरा पीडीएफ, झारखंड पीडीएफ बहुत ही रामबाण है झारखंड पीजीटी इतिहास के लिए। आइए शुरुआत करते हैं। टेस्ट सीरीज संख्या 11, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? कलकत्ता में जो दुर्ग अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था, इसका नाम क्या है? चारों ऑप्शन अच्छे से देख लें। फोर्ट विलियम, विकल्प सी जो है सही है, फोर्ट विलियम। प्रश्न 27 देखिएगा, भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर थे? अल्मेडा अल्बुकर्क, फ्रांसिस ड्रेक या वास्को डी गामा। तो भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली थे, वह थे अल्बुकर्क। विकल्प बी जो है वह आपका सही है, अल्बुकर्क। इसके साथ भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ। इसके साथ भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ। प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, श्रीरंगपट्टनम का युद्ध। तो भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ था वांडीवास के युद्ध से। विकल्प सी जो है आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन से शहरों और उनके साथ प्रतिष्ठानों से संबंधित व्यक्तियों के गलत जोड़े बनाए गए हैं? पांडिचेरी फ्रांसिस मार्टिन, अहमदाबाद अहमद शाह फर्स्ट, मद्रास या फ्रांसिस डे, कलकत्ता या रॉबर्ट क्लाइव। तो कलकत्ता या रॉबर्ट क्लाइव। कलकत्ता या रॉबर्ट क्लाइव, ये आपका गलत है, बाकी सही है। देखिए, मद्रास शहर की स्थापना फ्रांसिस डे ने की है, पांडिचेरी की स्थापना फ्रांसिस मार्टिन ने किया है, अहमदाबाद का अहमद शाह फर्स्ट ने किया है, कलकत्ता का रॉबर्ट क्लाइव ने किया है, जॉर्ज चारनौकी ने किया है। तो विकल्प डी यही आपका रॉन्ग है, बाकी सब सही है। प्रश्न 30 देखिएगा, अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में दिया गया था? तो वह पुर्तगाल की राजकुमारी थी कैथरीन मेयो, उनके साथ विवाह किया था चार्ल्स प्रथम ने, तो उसे दहेज में मिला था क्या? बम्बई। प्रश्न 31 देखिएगा, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर मध्य स्वागत करने वाला भारतीय राजा था? चारों ऑप्शन अच्छे से देख लें, तो वह कौन सा भारतीय राजा था? जमोरिन। प्रश्न 32 देखिएगा, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? मछलीपट्टनम में, पुलिकट में, सूरत में या अहमदाबाद में। डचों का जो सबसे प्रारंभिक उपनिवेश था या कौन सा था? पुलिकट। विकल्प बी जो है सही है, पुलिकट। पांडिचेरी का वह फ्रांसीसी राज्यपाल कौन था जिसने फ्रेंच कंपनी को एक शक्तिशाली कंपनी बनाने का प्रयास किया? तो वह कौन सा था? थॉमस आर्थर, कॉम्ट द लैली या गोडेहू लाबुरदाने, फ्रांसिस डुप्ले, कौन था? तो ये था जोसेफ फ्रांसिस डुप्ले। विकल्प डी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 34 देखिएगा, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाले प्रथम देश कौन सा था? पुर्तगाल, डच, फ्रांस या ब्रिटेन। भारत में समुद्री मार्ग की खोज करने वाले प्रथम देश का नाम क्या था? तो पुर्तगाल था। विकल्प डी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 35, कौन से पुर्तगाली नेता ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू किया था? फ्रांसिस्को द अल्मेडा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, फ्रांसिस कैरन या फ्रांसिस मार्टिन। तो ये आपका फ्रांसिस्को द अल्मेडा। विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 36 देखिएगा, जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो दिल्ली का शासक था शाह आलम द्वितीय। विकल्प डी जो है वो आपका सही है। किस संधि के तहत ब्रिटिश कंपनी को मुगल शासक शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ था? तो यह कौन सी संधि थी शाह आलम द्वितीय से? यह इलाहाबाद की संधि थी ना, इलाहाबाद की पहली संधि थी, 12 अगस्त 1765। विकल्प डी।
प्रश्न 38, मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खां और सिराजदौला कहां के नवाब थे? तो वह बंगाल के नवाब थे, डी। वास्को डी गामा 1798 में भारत में कहां आया था? वास्को डी गामा कालीकट में आया था, विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 40, की तलाश भारत आए थे तो पुर्तगाली, किसकी तलाश में भारत आए थे? पुर्तगाली मशाले की तलाश में भारत आए थे, विकल्प सी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 41 देखिएगा, बंगाल में द्वैत शासन तंत्र की शुरुआत किसने की है? रॉबर्ट क्लाइव ने, वॉरेन हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड वेलेजली ने, जॉन एडम्स ने। तो बंगाल में द्वैत शासन तंत्र की शुरुआत किसने किया है? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया है, विकल्प ए जो है सही है। बंगाल में द्वैत शासन तंत्र की शुरुआत किसने किया है? तो रॉबर्ट क्लाइव, विकल्प ए जो है वो आपका सही है। प्रश्न 42 देखिएगा, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे शहाब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? शहाब ए आलम बहादुर का खिताब किसने दिया था? 1857 नाना साहब ने, ब्रिजिश कादिर ने, बख्त खां ने या ताता टोपे ने? तो ये देखिए, यह आपको बख्त खां को बहादुर शाह जफर ने दिया था, विकल्प सी जो है आपका सही है, बख्त खां को। प्रश्न 43 देखिएगा, ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब प्रारंभ किया? प्लासी के युद्ध के बाद, पानीपत के युद्ध के बाद, मैसूर लड़ाई के बाद, सिपाहियों के गदर के बाद। ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब प्रारंभ किया था? प्लासी के युद्ध के बाद, विकल्प ए जो है आपका सही है। गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ संघर्ष में मारा गया था? डच, अंग्रेज, पुर्तगाली, फ्रेंच। गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ संघर्ष में मारा गया था? पुर्तगालियों के साथ, विकल्प सी जो है वो आपका सही है। पुर्तगालियों के साथ संघर्ष में मारा गया था। भारत में आंग्ल फ्रेंच शत्रुता में निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई थी? तो वांडीवास की लड़ाई, विकल्प ए जो है आपका सही है, वांडीवास की लड़ाई। राज्य अपहरण नीति सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू की गई थी? तो यह सबसे पहले किस पर लागू की गई थी राज्य अपहरण नीति? तो यह आपका पिपगत का सिद्धांत अवध पर लागू की गई थी। यहाँ पर यह दिया है, देखिए अवध पे सबसे पहले नहीं रुकिए, सतारा जयपुर 1848 में था, 1848, झांसी जो था 1853, अवध जो था 1856, जौनपुर 1854। तो सबसे पहले कब? सतारा पर, विकल्प ए जो है आपका सही है, विकल्प ए। प्रश्न 47 देखिएगा, निम्नलिखित संधियों का काल क्रमानुसार रखिए। तो ये जो संधियां हैं इनको काल क्रमानुसार रखना है, तो विकल्प सी जो है वो आपका सही है। इस तरह से आप काल क्रमानुसार रख लीजिएगा। बेसिन कब हुआ था? 1802 में हुआ था। अमृतसर की संधि 1809 में हुआ था। श्रीरंगपट्टनम कब हुआ था? 1799 में, नहीं 1792 में हुआ था, 1792 या 93 में। शालबाई की संधि 1782। दूसरा से आप देख लीजिए, ठीक है। प्रश्न 48 देखिएगा, किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? तो पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था किस गवर्नर जनरल के शासन काल में? तो लॉर्ड डलहौजी, विकल्प बी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 49 देखिएगा, सिंध को अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया था? 1843 में, विकल्प डी। इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न देखिएगा, किस गवर्नर जनरल का नाम राज हड़प नीति या व्यपगत या डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स से जुड़ा हुआ है? लॉर्ड डलहौजी, विकल्प बी जो है वो आपका सही है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, झारखंड पीजीटी हिस्ट्री टेस्ट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। धन्यवाद आप लोग को। और यह सीरीज आप लोग ले सकते हैं, यह पूरा पीडीएफ आप लोग ले सकते हैं, यह जो पीडीएफ है यह आप लोग ले सकते हैं। इसका जो प्राइस है 300 रुपया है, ठीक है, आप लोग ले लीजिएगा। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर यह है, देखिए ऊपर भी शो रहा है, यहाँ पर भी बता दे रहा हूँ, 8318839-7276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज आप कर लीजिएगा, 300 रुपये पेमेंट करिएगा, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। 5500 प्रश्न 3 है और साथ ही साथ 1375 एमसीक्यू है, बहुत ही बढ़िया मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है, इसे आप परीक्षा होने तक देखते रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यह 1375 एमसीक्यू है, एमसीक्यू जो है, और यह 5500 प्रश्न 3।
इसको आप अच्छे से देख सकते हैं। तो इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है, आप लोग ले सकते हैं। हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप प्राप्त कर लीजिएगा। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद।